नमस्कार, आगा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आसमा शेख, आइए जानते हैं आज दिन भर की खबरें। दुनिया के सामने आया सबूत, तानाशाह का तैयार हुआ ताबूत। किम के रिश्तेदारों की नींद हराम, सरकारी अधिकारियों में कोहराम। खतरे में कोर किम की जान, नॉर्थ कोरिया के डॉक्टर परेशान। किम की खबर से कम हुई ट्रंप की टेंशन, साउथ कोरिया के माथे से भी हटी शिकन। एक बार फिर नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग पर खबरों का बाजार गर्म है। जितनी मुंह उतनी बातें, कोई उसे ब्रेन डेड बता रहा है तो कोई उसकी मौत का दावा कर रहा है। सबूत किसी के पास नहीं, लेकिन अफवाहें बेशुमार हैं। सिर्फ अनुमान के आधार पर खबरों का अंबार लगा है उस शख्स के बारे में जिसकी सनक से दुनिया परेशान हो उठती है, जिसकी क्रूरता के किस्से रोंगटे खड़े कर देते हैं, जो अपनों के लिए भी दुश्मनों की तरह ही बेरहम है, जिसने डिक्शनरी से मिटा डाला है माफी शब्द का वजूद। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर उसके दुश्मन नंबर वन देश साउथ कोरिया के एक ऑफिसर ने सनसनीखेज जानकारी दी है, जिसने ये दावा किया है कि किम जोंग उन कोमा में है और फिलहाल देश की बागडोर उसकी बहन किम योंग जोंग संभाल रही है। ये दावा साउथ कोरिया के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर चांग सोंग मिन ने किया है। मिन देश के पूर्व राष्ट्रपति किम दे जोंग के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं। साउथ कोरिया के अधिकारी मिन का कहना है कि किम ने अब तक बहन जोंग को पूरी तरह सत्ता नहीं सौंपी है। फिलहाल उन्हें ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई है ताकि नेतृत्व का संकट ज्यादा समय तक ना चले और उन्हें सरकार चलाने की बारीकियों की ठीक से समझ हो जाए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के मरने की अफवाह बहुत समय से सुनने को मिल रही है, लेकिन चांग सोंग मिन साउथ कोरिया के दिवंगत राष्ट्रपति के एड का मानना है कि उन्हें चीन से खबर मिली है कि किम जोंग उन मरे ना हो लेकिन कोमा में है, और पिछले चंद एक समय से जो भी उनके फोटोज और मीडिया में नजर आ रहे हैं वो सब फेक है। हालांकि किम के बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि वो अभी जिंदा है, लेकिन उसके जिंदा होने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो ब्रेन डेड हो चुका है। अप्रैल महीने में किम जोंग की हार्ट सर्जरी हुई थी जो नाकाम हो गई, और उस सर्जरी ने किम के दिमाग को भी नाकारा बना दिया। तब से किम की बहन यो जोंग ने ही नॉर्थ कोरिया की सत्ता के कमान अपने हाथों में ले लिया। तैतीस साल के किम यो जोंग के बारे में कुछ महीने पहले भी खबर आई थी कि वो सरकार में दूसरे नंबर पर है। किम आंख मूंद कर अपनी बहन पर भरोसा करता है। किम की मुहर पर वो देश के कई बड़े बड़े फैसले लेती है, लेकिन किम ने कभी सार्वजनिक तौर पर जोंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। नॉर्थ कोरिया में किम के बीमार होने के बाद चल रही
सियासी हलचलों पर साउथ कोरिया की पैनी नजर है। जैसे ही किम के कोमा में होने की खबरें आई, साउथ कोरिया में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की मीटिंग हुई। देश के कई न्यूज एजेंसियों ने कहा किम जो जोंग के सत्ता संभालने की खबरों से कोई हैरानी नहीं हुई। आने वाले वक्त में यही होना है। जोंग पार्टी के सेंट्रल कमेटी पहले ही संभाल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में किम की हार्ट सर्जरी हुई थी, इसके बाद से ही वो ज्यादा बीमार है। बेशक किम की मौत की पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन उसके बीमार होने की खबर से अमेरिका समेत उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि किम जोंग अक्सर अपने एशियाई पड़ोसियों को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है। वो सुपर पावर अमेरिका को भी धमकाने से बाज नहीं आता। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार किम को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। वो लगातार किम को परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने के लिए राजी करने के मिशन में जुटे हैं। इस बाबत वो 3 बार किम से मुलाकात भी कर चुके हैं। अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास ऐसे हथियार भी हैं जो उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि बिना किम वाले उत्तर कोरिया का अमेरिका के साथ क्या रिश्ता होगा? क्या किम की जगह लेने वाला उत्तर कोरिया अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार होगा? किम जोंग अन, उनके बारे में बार बार ये खबरें आती हैं कि वो गुजर गए हैं और अभी हाल ही में आया है कि वो कोमा में हैं। ये बार बार इसलिए आती हैं क्योंकि वहाँ इतना क्लोज सीक्रेटिव सोसाइटी है कि कुछ बाहर इंफॉर्मेशन ज़्यादा जाती नहीं है, तो लोग सब स्पेक्यूलेट ही करते रहते हैं और कुछ इंडिकेशंस साइंस देख के कुछ अपना वो करते हैं, और खुफिया सोर्सेज से कोई इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसके बेसिस पे ये सब अपना एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है, लिहाजा दुनिया की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं ये विनाशकारी हथियार किसी गैर जिम्मेवार शख्स के हाथ न लग जाए। कई जानकार इस बात को लेकर चिंतित हैं किम की मौत से वहाँ अराजकता आ सकती है और ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में किम के बारे में किसी भी खबर पर दुनिया के कई देशों की नजर रहती है, लेकिन किम फिलहाल किस हालत में है ये कोई नहीं जानता। वैसे भी उत्तर कोरिया हमेशा दुनिया को चौंकाता रहा है, मुमकिन है कि किम एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए सामने आ जाए।